क्या ये अवेयरनेस है इस पे केस होनी चाहिए इस महिला पे ये भद्दी महिला पे केस होनी चाहिए जो मौत का मजाक बनाती है बेहूदगी की सीमा पार करने वाली बिल्कुल समाज में गलत मैसेज गलत मैसेज मैसेज दे। देने वाली मौत यमराज इसको फिर से जिंदा कर दिया जी। ये भद्दा मजाक पूनम पांडे पर भारी पड़ना चाहिए इन पे एक एफ दर्ज होना चाहिए चिप पब्लिसिटी नहीं ले और देखने में तो आप देख ही रहे की चुचुंदर जैसा एक ही समान लोग कितना देखेगा इतना दिखा दिखा करके ये का बहुत सारे बाजार में आ गए इसी वजह से ना इसको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला इसके हरकत के वजह से सर्वाइकल कैंसर को मजाक बना के रख दिया है नमस्कार देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से है जी हां आपको बता दें पूनम पांडे जिनकी मृत्यु हो गई थी मरने के बाद वो जिंदा हो गई चौंक गए क्या जी हां पुनम पांडे को लेकर जो खबर फैली थी कि पूनम पांडे का निधन हो है वो फेक था झूठी खबर थी और वो झूठी खबर फैलाई गई थी खुद पूनम पांडे के द्वारा उसमें संलिप्तता थी उनके परिवार की पूनम पांडे कौन है मशहूर मॉडल है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं उनके बोल्ड फोटोज वीडियोस को दर्शक काफी पसंद करते हैं क्योंकि उनको उनके फोटोज और वीडियो कैसे होते हैं आप भी जानते हैं और यह खबर क्यों फैलाई गई कि उन, उनकी मृत्यु हो गई इस पर हम चर्चा करेंगे और अब आगे क्या होना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा जरूरी एक ये भी है कि अभी के समय में स्टारडम की मतलब फेमस होने की इतनी मतलब इतना होर हो गया है कि लोग मरने तक को तैयार हैं अब देख लीजिए ना भाई पूनम पांडे क्यों भाई क्यों ऐसा कदम उठाई कि अपने खुद के मरने की खबर फैला दी क्योंकि भाई आ, अभी फिलहाल वो एकदम -लाइट में थी नहीं तो उनको लाइन लाइट में आना था तो वो आ गई कि सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी और उनसे उसकी उनकी मृत्यु हो गई पूरा एकदम हर एक मीडिया चैनल ने खबर उठाया खबर चलाया एक्ट्रेस बोल्ड एक्ट्रेस बोल्ड मॉडल पूनम पांडे की हो गई निधन और तुरंत में खबर यह आता है कि उनका उनकी निधन नहीं हुई है वो जिंदा है वो खुद इंस्टाग्राम पे आती हैं वो खुद बताती हैं कि मैं तो जिंदा हूं भाई तो हम इस पर चर्चा करेंगे मैम से मैम कौन है आप भी जानते हैं रूबड़ो मिसेज इंडिया रह चुकी हैं आइगला मिसेज बिहार रह चुकी हैं और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसिडर भी हैं ये भी कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को काफी करीब से जानती हैं समझती हैं क्योंकि ये भी एक मॉडल रह चुकी हैं पहले के समय में तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब क्या मन में चलता है इन लोग के जो ऐसा कदम उठा लेते हैं और क्योंकि ये एक महिला है तो इनसे बातचीत करना लाजमी है मैम सबसे पहले स्वागत है आपका और देखिए अभी जो खबर सामने आई कि पूनम पांडे की मृत्यु हो जाती है और अचानक से फिर खबर आती है कि नहीं वो नहीं मरी है, वो जिंदा है क्या मामला है और कौन है पूनम पांडे देखिए पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आ, कल ही मुझे कहीं ना कहीं शक हो गया था कि ये जो पूनम पांडे है आ, अपने आप को मॉडल है कहती है इंस्टाग्राम इन्फ्लुंसर है जी। और आप उनके लिबास को देख ही रहे हैं जी जी पूरा मॉडर्न है मतलब आ, युवाओं के दिल की धड़कन बनना चाहती है बट सॉरी है नहीं बिल्कुल आ, वो समाज का वो एक ऐसा आईना है जिसको कि लोग आ, सब समाज सब समाज में बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन कल जब इनकी निधन हुई तो अब एक चर्चा विषय था मैंने भी देखा कि भाई ये कॉन्ट्रोवर्सी क्यों बनना चाहती है क्योंकि राखी सावंत के बाद कौन तो पूनम पांडे तो पूनम पांडे आपको याद होगा कि एक बार वर्ल्ड कप का या फाइनल या कुछ था एक मैच चल रहा था, मैच था। उस मैच में उन्होंने कहा था कि भाई अगर इंडिया जीत जाती है तो मैं ओपन हो जाऊंगी बस ऐसे ही उसने कह दिया जी। और वो हाथों हाथ बिक गई तो रातों रात स्टार्ट बन गई कि भाई अगर इंडिया जीत जाती तो है ओपन हो जाएगी हम लोग भी न्यूड फोटो वीडियो देख लेंगे जी। और जी। वैसे भी इनके आप वीडियो देखे तो वैसे ही है बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है सॉरी लेकिन बात आती है मरने की अब लोग क्योंकि इनका बाजार बहुत ठंडा था ये बेशरम है जी। इनकी बाजार बहुत ही ठंडी थी ऐसी ऐसी महिलाएं अधेर उम्र की महिलाएं अपने आप को लड़की समझती है अभी शादी हुई थी वहां भी इसने शादी क्या हुई थी वो शादी हुआ कि क्या हुआ अब तो वो वो ही जाने लेकिन वहां भी उसने अपने पति को जेल डाल दिया, पे, ऐसे कुछ गोवा में केसेस आए थे, और उसके बाद भी अब उसमें भी उनको मतलब फुटेज उतना नहीं मिला तो इसने मौत का तमाशा बनाया जी। और कुछ दिन पहले सर्वाइकल कैंसर की जिक्र हुई थी तो उसने अपने दिमाग में इसको ले लिया और इसने एक थॉट बनाया कि भाई हम सर्वाइकल कैंसर के ये दिखावा करते देखिए या सही है लेकिन मौत ऐसी चीज है कि लोग अचंभित हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते अरे अभी तो कल थी अभी कैसे मर गई जाहिर सी बात है और इसकी भूमिका किसने बांधी इसकी भूमिका इसके मैनेजर ने बांधी उसने भी पुष्टि कर दी जी। तो भाई Instagram से बिल्कुल और, और जाहिर सी बात है की जब आप पुष्टि करते हैं तो फैमिली है की चुप्पी ताला लगा लिया जी। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि एक दिन भाई एक दिन हो गया होगा तो भाई कोई बात नहीं है हाँ और, हाँ, और देखिए पूरी की पूरी मीडिया अब ये जानने में इच्छुक हो गई कि भाई सर्वाइकल कैंसर क्या होता है बताइए अपने आप को मार करके इस ही थी। इसको कहा कि बेहूदगी की सीमा पार करने वाली बिल्कुल समाज में गलत मैसेज गलत दे। मैसेज देने देन वाली मौत यमराज इसको फिर से जिंदा कर दिया जी ठीक है यमराज स्वर्ग लोग लेके गए और वापस गए कि नहीं भाई तुम पृथ्वी लोग में ही बेहतर हो क्योंकि तुम पूरे ओपनली दिखती हो तो वहां हाँ बिल्कुल बिल्कुल और देखने में तो आप देख ही रहे कि चुचुंदर जैसा क्या ही कहेगा उसका शक्ल ही देखने से लगता है कि, कि करना तो इसी वजह से ना इसको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला इसके हरकत के वजह से ना ही इसके चेहरे को देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप की है खैर कोई बात नहीं आ, आ, आ आपकी जो मर्यादा है आप वहां रहे लेकिन कोई मौत का तमाशा बनाए पूरा का पूरा मीडिया के साथ खिलवाड़ करे और हम भी आपको दिखाएं तो मेरे अंदर भी वो सख्त जाहिर हो चुका था लेकिन मुझे लगा कि सारी मीडिया दिखा रही है तो भाई ये सही खबर होगी हो इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने डाला है तो ये सही होगा बिल्कुल लेकिन क्या बताया कि सुबह सुबह के एक मजाक अच्छा क्या आपको क्या बाजा? लगता है जी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे केसेस अगर सामने आते हैं तो क्या प्रशासन को इस पे कोई कानूनी कार्रवाई की जाए या नहीं क्योंकि बिल्कुल. गलत मैसेज जा रहा है और तमाम चैनल्स इसे इस खबर को उठाया बिल्कुल एक मिनट बाद बात बताऊं जब आप आत्महत्या नहीं कर सकते जी आत्महत्या खुद करने पे भी आपको सजा मिल सजा जी अगर बच जाते हैं बच जाते आप जहर खा लीजिए और पुलिस को पता चल जाए तो आप जेल जाएंगे जी जी। तो आत्महत्या जब आप नहीं कर सकते तो हत्या की झूठी खबरें आप कैसे डाल सकते हैं बिल्कुल। आप किसी को भ्रमित कैसे कर सकते हैं जी। नहीं कर सकते सर्वाइकल कैंसर को मजाक बना के रख दिया है जी। और आने के बाद अवेयरनेस की बात कर रही है क्या ये अवेयरनेस है इस पे केस होनी चाहिए इस महिला पे ये भद्दी महिला पे केस होनी चाहिए जो मौत का मजाक बनाती है ये सर्वाइकल कैंसर है छोटी मोटी सी बीमारी ही नहीं है कल बातें होने लगी कैसे हो गया और कैसे इन, इनके वजह से और आज आई कि मैं तो जिंदा हूं बिल्कुल क्या मजाक है तो मेरा कहना ये है कि जो समाज में गलत मैसेज अगर दे रहा है तो कानून बना है आ, उसे सही रास्ते पे लाने के लिए तो जरूरत है कि कानूनी कार्रवाई भी हो इस पर जरूरत है अवेयरनेस की तो जरूरत है इस पूनम पांडे को अवेयरनेस समझाने की पूनम पांडे को जेल की सलाखों में भेजने की वो खुद आप गलत तरीके से अफवाह फैला करके ये चिप पब्लिसिटी नहीं ले बिल्कुल जो लोग कैंसर से पीड़ित है उनके मन में भय ना करवाएं जो लोग सर्वाइकल कैंसर से झेल रहे अपने आप को उनके उनको मौत के मुंह में ना ढकेले तुम्हारे लिए ये मजाक हो सकता है उसके लिए ये मजाक नहीं उसके लिए एक सर्वाइकल कैंसर, कैंसर तो नहीं लेकिन कैंसर से पीड़ित देखिए युवराज सिंह भी थे वो एक मिसाल है हमारे लिए बिल्कुल उन्होंने कोई मजाक नहीं किया मजाक नहीं किया और ये आई और बिल्कुल और वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए सरवाइव भी किया उन्होंने उसके बाद अब आगे जो कैंसर पीड़ित उसके लिए वर्क भी कर रहे हैं वो तो देखे? ये है ना भाई तो आप तो एक सोशल मीडिया आपको जरूरत था कि आप अवेयरनेस फैलाती मरने का नाटक करके आप अवेयरनेस फैला रही है देखिए इनको काम धंधा मिलता है उलता कुछ है नहीं कितना दिखाएगी एक ही समान लोग कितना दिखेगा कितना दिखा दिखा करके ये का, बहुत सारे बाजार में आ गए बहुत सारे लोग बाजार में आ चुके हैं आप इंस्टाग्राम खोलिए आपको वो चीज दिख जाएगी बिल्कुल आप असली चीजों को परोसा जा रहा है इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक पे आप आइए जो देखना है वो आपको मिल जाएगा किसी के पास वो कमान नहीं रहा फेसबुक पे आप जब जाते हैं या इंस्टाग्राम पे जाते हैं या यूट्यूब पे किसी ऐसे चीजों पे चले जाते हैं तो वहाँ बकायदा प्रचार के और पे आ जाती है कॉल में एक लेडी का चेहरा आ जाता है uh, कॉल तो? में दिस फलना दिस हो गया है कॉल में भी आ, आपको न्यूट वीडियो के तहत आ जाते हैं लड़के इसमें फंस जाते हैं और फिर वो शिकार हो जाते हैं आप ऐसे हैं कोई वीडियो बना के रहा है आप आप कोई वीडियो कर और जाएंगे आज के इंस्टाग्राम खोलो फेसबुक खोलो तो बेबी का बाबा हाँ इन सब चीजों को एकदम परोसा जा रहा है और उसके मिलियंस मिलियंस व्यू आ रहे हैं तो आखिर में वो कौन शख्स है जो ये लोग देखते हैं कहीं ना कहीं यही लोग कहीं ना कहीं वारदात जो होती है जो घटनाएं घटती है घटती है तो भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो ऐसे चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है ताकि एक अवेयरनेस यहाँ दिखाए दिखे अवेयरनेस पूनम पांडे न दिखाए ये भद्दा मजाक पूनम पांडे पर भारी पड़ना चाहिए इन पे एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए ताकि ये कैंसर को मजाक न बनाए। कि अभी फिलहाल जो सोशल मीडिया जो युवाओं के लिए एक वरदान की तरह साबित होते आ रहा है क्योंकि रोजगार का एक उचित व्यवस्था हम कह सकते हैं कि रोजगार अगर नहीं है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपना जीवन चला सकते हैं रोजगार आ, मिल सकता है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से लेकिन जरूरत यह है कि आप उसे सही ढंग से इस्तेमाल करें अगर कोई किसी चीजों की अगर पॉजिटिव वो होता है तो पहलू होता है तो निगेटिव पहलू भी होता है आपको जरूरत है पॉजिटिविटी में जाने की निगेटिविटी में नहीं तो अभी फिलहाल जो खबर लेकर हम आए थे वो पूनम पांडे को लेकर थी जिनके निधन होने की खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था और अचानक से वो खुद सामने आती है और वो कहती है कि नहीं, मैं तो हूं, और जिंदा हूं और मैं एक अवेयरनेस फैला रही थी तो भाई हमारे समाज को ऐसे अवेयरनेस की जरूरत नहीं है फिलहाल इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल धन्यवाद